मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में बढ़ रहे प्रदर्शन की दिल्ली की शाहीन बाग और प्रयागराज के मंसूर पार्क की तर्ज पर लखनऊ के चौक घंटा घर पर भी महिलाएं पिछले 24 घंटे से धरना दे रही हैं। महिलाएं अपने मासूम बच्चों के साथ पिछले एक महीने से लगभग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं। लखनऊ के घंटा घर में मुस्लिम महिलाओं का नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहां पर एकत्रित हुई हैं और आजादी के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। लगातार जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। उधर शाहीन बाग यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और आजादी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लगातार जो महिलाएं हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वे हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं, साथ ही साथ रिजेक्ट सी नरेंद्र मोदी होश में आओ भगवत होश में आओ मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह डूब मरो अमित शाह शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो तो हम क्या चाहते जोर से बोल लो नरेंद्र मोदी साहब ने आज बोला कि 2014 से मेरी सरकार ने एक बार भी नहीं बोला कि हम देश में एनआरसी कराएंगे। ये शब्द हमने कभी नहीं लिया। असम में हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे था। अब पिछले एक साल से अमित शाह साहब घूम घूम के क्या बोल रहे हैं कि देश भर में एनआरसी कराई जाएगी। अभी संसद के अंदर अभी बस दो हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि देश भर में एनआरसी कराई जाएगी, ये हमारा वादा है। राजनाथ सिंह साहब ने बोला है, कई और मंत्रियों ने बोला है। तो नरेंद्र मोदी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। पूरे देश में जब एनआरसी का कानून बनेगा तब कोई बात की जाएगी। अभी प्रिजम्पशन करना या आगे की बात सोचना ये तो गलत है। अभी हम मैं नहीं समझता हूँ कि इस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए। जब तो आपने तेजस्वी जी बोला कि क्यों निकल रहे हैं यात्रा पे, अभी तो मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों निकल रहे हैं भाई, हमारे निकलना ही नहीं चाहिए। जब एनआरसी पे जब कह ही दिया है सरकार ने, जब स्टेट गवर्नमेंट ने कि हम इसको लागू नहीं करेंगे, तो फिर इसमें बात क्या करना है, इसके पे चर्चा ही करनी नहीं चाहिए उनको। उन्होंने मुस्लिम्स को ही क्यों हटा दिया, सबको साथ ले लिया, मुस्लिम्स को ही क्यों हटा दिया? रिलीजन तो कहीं मेंशन ही नहीं था ना, रिलीजन कहाँ से बीच में आ गया? इक्वालिटी हमारा राइट है, राइट टू इक्वालिटी, हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए जैसे और रिलीजन के लोगों को ट्रीट किया जाता है। मासूम सी बच्ची हाथ में बड़ा सा तिरंगा लिए धरने पर बैठी, विरोध नागरिकता कानून का हो रहा है जिसमें मासूम बच्चों को भी शामिल किया गया। कई बच्चे और महिलाएं हाथ में तिरंगा लहरा कर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। तो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं सीए को लेकर, लेकिन सरकार कह रही है कि इससे किसी भी भारतीय नागरिक को कोई भी नुकसान नहीं है, सरकार कार्यक्रम भी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? साफ साफ ये बात कही है उन्होंने, रिलीजन की बात क्यों की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रिलीजन कहां से बीच में लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन तो कहीं मेंशन ही नहीं था। और अगर नरेंद्र मोदी साहब सच बोल रहे थे तो अमित शाह साहब झूठ बोल रहे थे अभी तक। तो ये जो आज सरकार बैकफुट पे आई है, इतने विरोध प्रदर्शन जो देश भर में हुए हैं उसके बाद वो झूठों का सहारा ले रही है ये बोल के कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे, जबकि अगर देखा जाए तो एनपीआर के जरिए उन्होंने एनआरसी का पहला कदम ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब का जो बयान है, एक चीज़ और उन्होंने बोली कि कोई डिटेंशन सेंटर देश में नहीं बने हैं। असम के अंदर डिटेंशन सेंटर है, डॉक्यूमेंटेड है। कर्नाटक के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बनने की शुरुआत हो रही थी, वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो बिल्कुल सफ़ेद झूठ जिसे बोला जाता है, नरेंद्र मोदी साहब उसका सहारा ले रहे हैं।
और पहली बार नहीं है, जब जब उनको घेरा जाता है तो वो ऐसे झूठों का सहारा लेते हैं। और देखिए, नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अफवाहों और भ्रम की स्थिति के चलते ये विरोध अब चिंता का कारण बन गया है। ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। तो मैं बहुत चौंका नहीं हूँ उनसे, लेकिन उनके झूठ को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। मासूम सी बच्ची हाथ में बड़ा सा तिरंगा लिए धरने पर बैठी। विरोध नागरिकता कानून का हो रहा है, जिसमें मासूम बच्चों को भी शामिल किया गया है। कई बच्चे और महिलाएं हाथ में तिरंगा लहराकर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो,